हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत सोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल एवीएस टेक अनंत सोनी में। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने आपके लिए ऑलवेज मनी मेकिंग टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पे दी हुई हैं। आपने ऑलवेज देखा होगा कि मैं यहाँ पे ऑलवेज कुछ ना कुछ नई टिप और ट्रिक्स यहाँ पे दिया करता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे अर्न मनी ऑनलाइन वाली ये प्लेलिस्ट पूरी देखी होगी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नए तरीके मैं बताता हूँ जिससे कि आप अपनी वॉइस को सेल करके या अपना एक छोटा सा टाइम इन्वेस्ट करके आप कुछ ना कुछ एक अच्छी अर्निंग कर सकते थे। यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट टाइप के वेज बताए हुए हैं। आप यहाँ पे जाके सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे, वो सारे आपके लिए किसी ना किसी तरीके से पैसे कमाने के नए रिसोर्सेज बताएगा। अब आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन सा रिसोर्स फिट हो रहा है जो कि आपके टाइम के हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ऐसे ही आज भी मैं आपको कुछ ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ जहाँ पे आप 375 रुपीस सिर्फ 60 सेकंड में कमा सकते हैं। 60 सेकंड मतलब एक मिनट में आप 375 और मोर देन 375। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। 375 भी कमा सकते हैं और मोर देन 375 भी कमा सकते हैं। अब ये चीज होगी कैसे, वो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो कि आप लोग मोस्टली भूल जाया करते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने मेरे चैनल को पहली टाइम विजिट किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नए फ्यूचर वीडियोस या नई टिप्स और ट्रिक्स यहां पर शेयर करता हूं, वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज जिस साइट के बारे में बताने वाला हूँ वो है फाइवर। फाइवर में आप कैसे कमा सकते हैं, ऑब्वियसली बात है फाइवर में यहाँ पे डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जिसमें से आज मैं आपके लिए कौन सी बताने वाला हूँ वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं फाइवर में जाता हूँ और फाइवर में यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वर्ड आर्ट्स। तो मैंने यहाँ पे वर्ड आर्ट्स को यहाँ पे सर्च किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी लोग अर्निंग कर रहे हैं, वो चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको शो कर दिया करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 750 में एक वर्ड आर्ट क्रिएट करके दे रहे हैं, साथ ही साथ ये 375 में एक वर्ड आर्ट क्रिएट करके दे रहे हैं और 48 आवर्स में ये उनको प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे भी ये तकरीबन 375 में एक वर्ड आर्ट क्रिएट करके दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 ऑर्डर्स इनको आए हैं, इनको भी कुछ 3 ऑर्डर्स आए हैं, यहाँ पे भी कुछ 4 ऑर्डर्स आए हैं। इसी टाइप से आप बाकी भी देखेंगे, ये भी कुछ एक वर्ड क्लाउड ग्राफिक्स यहाँ पे क्रिएट करके दे रहे हैं जिसमें इनको 12 ऑर्डर आए हैं। इसी टाइप से आप और भी यहाँ पे देख सकते हैं जिन जिन लोगों ने भी, जैसे कि आप ये भी देख रहे हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे बनाना है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा भी, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये चीज नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये चीज सेल करके बेचना है, आपको ये बनाना कैसे है ये चीज भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा। तो आप यहाँ पे अगर इस टाइप की बनाना चाहें, ये चीज बनाना चाहें, ये चीज जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें सेल हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, इन्होंने जो जो भी चीजें बना के दी हुई हैं वो सारी चीजें मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको वो कैसे बनाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी किसी चीज के यहाँ पे इनको 95 ऑर्डर्स आए हुए हैं। अब ये चीज मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वर्ड आर्ट के लिए हैं, और यहाँ पे वर्ड आर्ट के साथ ही और भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की हो सकती है। अब यहाँ पे आप बाकी भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं कि वर्ड आर्ट के बारे में है ये, और यहाँ पे बाकी हम ये भी देख सकते हैं, ये एक वर्ड आर्ट है, यहाँ पे आप बाकी देख सकते हैं ये वर्ड आर्ट है, ये वर्ड आर्ट है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की वर्ड आर्ट देख सकते हैं जो कि लोग सेल करके एक अर्निंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे चलिए किसी एक वर्ड आर्ट को हम ओपन करके भी यहाँ पे देख लिया करते हैं कि यहाँ पे वो चीज प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। तो चलिए हम कोई भी एक यहाँ पे ओपन करके देख लिया करते हैं, यही एक है जो कि हम ओपन करके चेक कर लिया करते हैं कि ये क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन्होंने कुछ इस टाइप की वर्ड आर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, और ये जो भी उनके ऑर्डर आए हैं उनके रिव्यूज वगैरह सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि ये चीज आप बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, और यहाँ पे इनके प्लान्स भी देख लिया करते हैं। तो बेसिक में सिंपल सी है, सिंपल सा शेप देंगे और 10 वर्ड्स रहेंगे, PNG वर्जन ओनली यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। स्टैंडर्ड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप तकरीबन अप टू 20 वर्ड्स दे सकते हैं, और यहाँ पे ये हाई रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जिसकी कॉस्ट उन्होंने 1499 रखा हुआ है। फिर यहाँ पे प्रीमियम है जिसमें कलर्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे ये 50 वर्ड्स
यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, साथ में ये लोगो, ब्रांड नेम वगैरह सारी चीजें यहाँ पे इसमें करके देंगे कि यहाँ पे लोगो में आपकी ये सारे नेम दिखाई देंगे, ब्रांड्स में ये सारे नेम दिखाई देंगे, साथ में ये सोर्स फाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, कलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो तीन प्लान है, इन तीनों प्लान में आप अर्निंग कैसे कर सकते हो वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये चीज आपको बनाना कैसे, इसके लिए मैं आपको एक साइट बताता हूँ जिसका नाम है wordart.com। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं wordart.com यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे करना कैसे है, कैसे बनाना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो एक क्रिएट नाउ का बटन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपल सा इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट कस्टमाइजेशन है कि आपको यहाँ पे वर्ड्स डालने हैं, तो जैसे मैं अभी यहाँ पे अनंत विजय डाल दिया करता हूँ, अनंत विजय, सेकेंड वर्ड भी मैं यहाँ पे कुछ और डाल दिया करता हूँ, मेक मनी डाल दिया करता हूँ, थर्ड वर्ड भी मैं कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया करता हूँ, जैसे कि पैसिव इनकम मैंने यहाँ पे ऐड किया, पैसिव इनकम हो गया, और भी हम यहाँ पे वर्ड एक और ऐड कर दिया करते हैं, तो यहाँ पे इनकम कर दिया मैंने। और अब जितने भी वर्ड्स यहाँ पे ऐड करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं, तो आपको जितने भी वर्ड लगते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वर्ड ऐड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है सेव। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के सेव्स होते हैं, जिस टाइप का भी आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहें उस टाइप का आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कोई भी एक यहाँ पे चूज कर लिया करते हैं, जैसे ये एक हो गया, इसको ही हम यहाँ पे चूज कर लिया करते हैं, या फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको कस्टमर ने अगर कोई इमेज दी है कि उसमें आपको ऐड करना है, तो वो ऑप्शन भी आपके पास यहाँ होता है कि आप यहाँ पे खुद की ऐड इमेज कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो भी इमेज है, ये जैसे मान लीजिए मेरी ये एक इमेज है, तो मैं इसको ही यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, और मुझे इसकी ये ओपेसिटी वगैरह थोड़ा सा, थ्रेशोल्ड, ये एजेस वगैरह यहाँ पे थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे अगर इन सारे एजेस को चेंज कर दिया करता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं अभी इसको ही अगर ओके कर दिया करता हूँ तो ये मेरी यहाँ पे इमेज आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे आता है फॉन्ट की, आपको फॉन्ट यहाँ पे कौन सा लेना है, तो आप यहाँ पे कस्टमर को भी ऑप्शन दे सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स यहाँ पे जो अच्छे फॉन्ट्स हैं वो आप यहाँ पे बता दीजिए। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे कोई सिंपल सा फॉन्ट ले लिया करता हूँ, जैसे एक गन प्ले करके फॉन्ट है, ये मैंने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे आता है लेआउट की, आपको लेआउट किस टाइप का चाहिए है, तो मैं यहाँ पे जैसे कि अगर आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि आपको वर्टिकल में चाहिए, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल प्लस क्रॉसिंग चाहिए है, या फिर उसको रेंडम अगर चाहिए, तो मैं यहाँ पे रेंडम ऐड कर दिया करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे डेंसिटी क्या चाहिए आपको, डेंसिटी जिस हिसाब से भी आप करना चाहें वो आप डेंसिटी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे तकरीबन 36% यहाँ पे कर दिया करता हूँ, 37। अब यहाँ पे स्टाइल आती है, तो यहाँ पे आप स्टाइल भी कर सकते हैं, रेंडम भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे सेप भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम सेप में करके देख लिया करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं विजुअलाइज। अब यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, तकरीबन 1 मिनट का। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी मेरी इमेज थी वो इमेज मेरी यहाँ पे तैयार हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा, और यहाँ पे इसको जो मैंने यहाँ पे सारी चीजें हटा दी थी वो मुझे यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक बार करना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम जो मेरी इमेज थी उसकी यहाँ पे एक कॉपी बन गई है। आप यहाँ पे बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं कि आपके फॉन्ट अगर बेस्ट नहीं है, आपका जो भी शेप था आप इसके शेप को थोड़ा सा यहाँ पे थ्रेशोल्ड कम कर दीजिए, तो इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ा दिया करते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ पे विजुअलाइज हम फिर से यहाँ पे चेंज करके देख लिया करते हैं। तो यहाँ पे एक परफेक्ट इमेज को आप कन्वर्ट करके लोगों को दिखा सकते हैं। ये एक मतलब बहुत ही बेस्ट टूल है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और यहाँ पे आ गए हैं, उनमें से आप यहाँ पे और भी चीजों को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा। जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके हिसाब से आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो लेआउट था, डेंसिटी थोड़ी सी हम इसकी और कम करके देख लिया करते हैं, या फिर इसकी और थोड़ा सा ये थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके आपको थोड़ा सा चेक करना है कि किस टाइप से आपके अच्छे लेआउट्स आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आपके लेआउट्स अच्छे आते जाएंगे आपको उस टाइप से यहाँ पे करना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा और यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आ गई हैं, लेकिन आईज वगैरह में शायद नहीं आया है। तो ये मैंने सिर्फ एक इमेज के लिए दिखाया है। आप यहाँ पे कस्टमर को ये भी बोल सकते हैं कि आपकी जो इमेज है उतने उसमें इतने ही परसेंट आ रहा है। तो यहाँ पे एक ये मैंने आपको एक इमेज का एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ पे इमेज की जगह है, यहाँ पे आप कोई भी शेप भी ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कुछ शेप्स है, तो आप यहाँ पे अगर
अगर ये आपको बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल सा आपको इस टाइप की इमेज यहाँ पे पीएनजी इमेज आपको फाइंड करनी है, वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है और आप यहाँ पे ऑन द स्पॉट यहाँ पे सिर्फ आपके 30 सेकंड या 15 सेकंड लगेंगे और आपकी यहाँ पे इमेज बन के क्रिएट हो जाएगी। तो मान लीजिए ये शेप आपको चाहिए है, तो मैं इस शेप को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे विजुअलाइज पे मैं क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि लोग यहाँ पे लोगोस पर भी दे रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पे बोल रहा है कि वो लोगोस पर बना के दे रहा है तो आप यहाँ पे सेम चीज भी कर सकते हैं कि आपको सिंपल सा उसका लोगो जो है एचडी लोगो लेना है और वो लोगो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, वो लोगो आपका अपलोड होगा और आपका यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे इमेज ली हुई थी उसी इमेज में यहाँ पे कर दिया है। अब आप उसको एक की जगह दो तीन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ये पूरा रेड में है, आप चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो स्टाइल आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए, आप यहाँ पे कस्टम कर दीजिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिफरेंट कलर्स में आ गया। तो आप उसको जितनी ज्यादा क्वालिटीज प्रोवाइड करके देंगे वो उतना ही ज्यादा आपके लिए शायद नेक्स्ट ऑर्डर भी दे दे। तो इसी टाइप से आप जितनी ज्यादा अच्छी चीजें प्रोवाइड करेंगे, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पे इस टाइप की डिजाइन है वो डिजाइन आपके लिए बना के रखनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शोकेस में लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट टाइप की दिखाई हुई है, जैसे कि ये एक है तो इस टाइप की भी आप बना सकते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल शो किया था, मेरी ही इमेज का यहाँ पे शो किया था, तो इस टाइप की भी आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको ये पूरा मॉडल समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से आपके यहाँ पे इस टाइप से शो हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे इस टाइप की भी इमेज बना सकते हैं। जो भी आप इमेज चाहें वो सारी इमेजेस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसी टाइप का आपको यहाँ पे सारे बना के और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है शोकेस, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। आप यहाँ पे चाहें तो किसी टाइप का लोगो भी ले सकते हैं कि किसी भी कंपनी का आप यहाँ पे लोगो उठा लीजिए और उस कंपनी का लोगो का यहाँ पे बना के दिखा दीजिए। और यहाँ पे ऐसे 10-15 आपको खुद के यहाँ पे बना के रखने हैं। अब बात आती है कि आपको ये क्लाइंट को प्रोवाइड कैसे करना है, तो यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए आपको सिंपल सा इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड पीएनजी आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएनजी इमेज हमको यहाँ पे तुरंत के तुरंत डाउनलोड हो गई है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि ये जो बंदा है ये पीएनजी इमेज जो है वो पीएनजी इमेज यहाँ पे 375 में दे रहा है, तो यहाँ पे ये चीज आपको फ्री में मिल गई। मतलब यहाँ पे जो वर्ड्स वगैरह ये दे रहा है और पीएनजी वर्जन दे रहा है, आप यहाँ पे पीएनजी के साथ जेपीजी प्रोवाइड कर दीजिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पीएनजी एंड जेपीजी वर्जन दो आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे तो आपके पास ज्यादा ऑर्डर आने के चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे रहेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड ये दे रहा है 1499 में, आप इसको प्रोवाइड कर दीजिए 1000 में या 999 में। अगर आपने यहाँ पे 999 में यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके और यहाँ पे एसडी वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पीएनजी के साथ में एसडी लिखा हुआ है, आपको सिंपल सा जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे चार्जेस लिए जाएंगे। तो चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 364 रुपीज आ रहे हैं और आप अगर उससे 1000 लिया करते हैं तो भी आपको तकरीबन 700 या 650 रुपया कुछ एक ऑर्डर में आपको बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना है कि इसको आपको परचेस कर लेना है, आप ये करेंगे और या आप यहाँ से डायरेक्ट बाय नाउ कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास ज्यादा ऑर्डर आने लगे तो आप यहाँ पे 1 मंथ का प्लान भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और अभी आपके पास ज्यादा ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ये इमेज यहाँ से लेके और आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे 5 वाला प्लान भी ले सकते हैं कि 5 डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे 729 का यहाँ पे ले सकते हैं। और आपको ये चीज करना कैसे, आपको स्टार्टिंग में ही डाउनलोड नहीं करना है, आपको सबसे पहले करना क्या है कि क्लाइंट के लिए आपको ये जो सिंपल पीएनजी और जेपीजी डाउनलोड हुई थी ये आपको उनको प्रोवाइड करना है एज अ सैंपल। अगर आपके पास ये वाला ऑर्डर आता है स्टैंडर्ड का तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में आपको करना क्या है, यहाँ पे चूंकि आपको हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना है तो आपको पहले कस्टमर से कंफर्म कर लेना है कि ये जो इमेज आपने भेजी है ये आपके लिए ओके है या नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ
यहाँ पे स्टैंडर्ड जेपीजी यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड जेपीजी आपको कस्टमर को दिखा के शो कर देना है कि इसके लिए अगर वो ओके है तो फिर आप उसको यहाँ पे जाके और यहाँ पे सिंपल सा एसडी वाली यहाँ पे इमेज आप यहाँ पे परचेस कर लीजिए और उसको आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर आपके पास सिंपल ऑर्डर आता है, जैसे कि यहाँ पे जो सिंपल ऑर्डर था बेसिक प्लान वाला आता है, अगर 375 वाला जो प्लान का ऑर्डर आता है तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड करने का कोई भी चार्ज नहीं देना है, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एसडी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड प्लान में जाते हैं और आपने इसका 1000 करीब यहाँ पे प्राइस रखा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे साथ ही कलर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे इसने प्रीमियम में कलर प्रोवाइड किए हैं, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड में कलर प्रोवाइड कर दीजिए, तो आपके पास और भी ज्यादा ऑर्डर आने के चांसेस हैं। तो आप यहाँ पे 999 कीजिए और 999 करने के बाद आप यहाँ पे जब इस पे जाएंगे और आप यहाँ से पीएनजी डाउनलोड करके और आप उसको प्रोवाइड कर दीजिए। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और इस पूरे प्रोसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड लगेगा। मतलब ऑर्डर आने के बाद आप यहाँ पे ये चीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में या 3 घंटे में या विद इन अ 1 डे में आप ये चीज प्रोवाइड कर दोगे। ये चीज इस पे भी डिपेंड करती है कि आप उस टाइम ऑनलाइन हो नहीं हो, आपने देख पाया नहीं देख पाया। तो आप यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ 1 दिन कर दीजिए कि विद इन अ 1 डे और विद इन 10 आवर्स या 20 आवर्स, तो इस टाइप से आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो आपको यहाँ टाइम तो लगना है सिर्फ 30 सेकंड और 1 मिनट का आपको टाइम लगेगा। सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सारे के सारे वर्ड्स डालने हैं, जो भी कस्टमर ने आपको वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं वो वर्ड्स डालना है, सेफ सिलेक्ट करना है, सेफ अगर कस्टमर ने प्रोवाइड किया है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपको खुद यहाँ पे कोई भी यहाँ पे देना है तो आप यहाँ पे खुद भी कोई सिलेक्ट करके दे सकते हैं, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर हेल्थ से रिलेटेड है आप ये ले लीजिए, अगर स्पोर्ट्स से है जिस भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है आप वो चीज यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे फॉन्ट्स के बारे में भी आप कस्टमर को ऑप्शन दे सकते हैं कि ये फॉन्ट भी आप दे सकते हैं। साथ में यहाँ पे लेआउट उसको वर्टिकल में ही चाहिए है अगर सारे, या फिर उसको रैंडम चलेंगे तो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, उसको ऑप्शंस दे सकते हैं। फिर यहाँ पे स्टाइल में उसको आपको जो भी एक कस्टम कलर चाहिए है या फिर उसको जो भी एक रेगुलर है वो चाहिए है, तो यहाँ पे दोनों टाइप के आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको पूरा समझ में आ गया। अब आपको अगर कोई भी डाउट है इस पूरे प्रोसेस में तो आप मुझे जरूर बताइए। अब आप लोग बोलेंगे कि इसके ऑर्डर नहीं आते या ऑर्डर आपका रैंकिंग में कैसे आए, तो यहाँ पे आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको सारे वीडियोस दिए हुए हैं कि आपने अगर अपनी कोई गिग्स वगैरह बनाई हुई हैं तो आपको उनको रैंक कैसे करवाना है। आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हाउ टू रैंक फाइवर गिग्स, साथ में मैंने बताया कि आपको यहाँ पे गिग्स कैसे क्रिएट करना है, आपको यहाँ पे मोस्ट प्रॉफिटेबल गिग्स कौन सी है। तो यहाँ पे गिग्स से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वीडियोस दिए हैं, तो ये सारे वीडियोस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने गिग्स तो बना ली लेकिन वो रैंक नहीं हो पा रही है, कि जैसे ही कोई यहाँ पे सर्च कर रहा है तो आपकी फर्स्ट पेज में नहीं आ रही है, तो वो चीज आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे ये सारे टिप्स और ट्रिक्स मैंने यहाँ पे बताई हुई है, तो ये भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो आई होप इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, और अगर जरूरत पड़ती है तो मैं नया वीडियो भी आपके लिए बना के दिया करता हूँ। तो आई होप आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। और जाते जाते बस एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल EVS Tech अनंतवेश सोनी में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।